नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे LUNC कॉइन के बारे में। देखो, जो लूना क्लासिक कॉइन है उसको लेके तीन बड़ी ऐसी मेजर अपडेट आई है। और अभी के टाइम में अगर आप देखोगे लूना क्लासिक का जो प्रेजेंट में जो प्राइस चल रही है और जो मार्केट चल रहा है उससे भाई सभी कॉइन वाकिफ है, क्योंकि ग्लोबल एक तरफ है और लूना एक तरफ है। देखो, सबसे बड़ी अपडेट जो निकल के आती है गाइस बाइनेंस को लेकर, क्योंकि बाइनेंस ने 7 सितंबर की जो डेट, मतलब आज की डेट में कुछ अपडेट बताई थी कि भाई 7 सितंबर से LUNC के जो ट्रांजेक्शन है उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन काफी सारे लोगों को लग रहा है कि भाई ये सस्पेंड हुआ नहीं, अभी भी ट्रांजेक्शन चल रहे। तो यार देखो, एक चीज़ क्लियर करो, ये जो LUNC जो कॉइन आया था अपनी खुद की ब्लॉकचेन सबसे पहले तो लेके आया था, उसके बाद बाइनेंस की भी ब्लॉकचेन पे आया था, और ERC20 ये तीनों जो ब्लॉकचेन लेके आया हुआ था गाइस, तो वो अभी भी डिसेबल है बाइनेंस पे। आप देखोगे एकमात्र जो खुद की ब्लॉकचेन पे आया था LUNC कॉइन उसके जो ट्रांजेक्शन है वो चालू है। तो हमें लग रहा है कि भाई सभी ट्रांजेक्शन चालू है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइनेंस के जो अपग्रेड जो किया है उसने ट्रांजेक्शन्स को लेके जो डिसेबल किया है अदर चैन को, वो भैया कंफर्म अपडेट है, कहीं ना कहीं यहाँ से भी इम्प्रूव मिलेगा। मतलब एक तरीके से जो ट्रांजेक्शन्स की जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो ट्रांजेक्शन्स करवा रहे वो लूना की खुद की ब्लॉकचेन से करा रहे, ताकि इसकी हाइप और क्रिएट हो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हमको लगता है LUNC के ट्रांजेक्शन पे हो रहा है, मतलब यार BUSD पे भी हो रहा है, ये एक थॉट आ गया था, लेकिन इसके ऑफिशियल साइट पे आप जाओगे तो कंफर्म हो जाएगा। गाइस, अगर बात करें सेकंड बड़ी अपडेट की जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है LUNC की तरफ से, देखो KuCoin जो कि बड़ा एक्सचेंज है उनने भैया सपोर्ट कर दिया है 1.2% का जो बर्निंग स्टार्ट होने वाला है 12 सितंबर से। तो भैया हमारा एक्सचेंज में भी भैया इसे सपोर्ट करेगा 1.2% का बर्न। और बर्निंग की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो लूना की जो कम्युनिटी है वो भैया चारों तरफ से ताकत लगा के बर्न कर रहा है, क्योंकि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई कुछ टाइम पहले आपने देखा था 65, लेकिन अभी आप करंट में देखोगे गाइस तो 61 ट्रिलियन, मतलब कॉइन जो कि बची हुई है। आप समझ लो कितनी ज़्यादा कॉइन बर्न की जा रही है, अपग्रेड भी हो गया है सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब ये चीज़ें और हमको समझ में आती है कि इसकी कम्युनिटी कहीं ना कहीं बर्निंग को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसकी वन चेन बर्निंग और आने वाली है। और ये जब आ जाता है ट्रांजेक्शन्स पीछे जब बर्निंग होने लग जाएगी, तो भैया फिर इस कॉइन से एक्सपेक्ट ज़रूर करोगे कि जल्दी 1 रुपये जाए, क्योंकि वैसे भी लूना कॉइन या टेरा लूना, लूना क्लासिक जो भी आप बोलो, ये भैया डॉट की सीरीज़ में आज तक चला नहीं है। 8,000-10,000 वाली कॉइन है, अभी पैसे पे आ गई तो शायद से रुपये जल्दी ही देखने को मिलेगा। डॉलर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 1 रुपये तक तो भैया जल्दी से जाए। कम्युनिटी पहली चीज़ सपोर्ट में है, दूसरी जो बड़े एक्सचेंज है भैया वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है। क्यों सपोर्ट में? क्योंकि उनको लेट डूबा भी था, कहीं ना कहीं एक्सचेंज भी सोच रहा है कि हम भी अब प्रॉफिट निकालें इस कॉइन को लेके। तो एक्सचेंज बड़ा सपोर्ट है, और होल्डर्स तो भैया डूबे ही है कि भैया हम 1,000 रुपये डूब गए तो 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करने में और क्या जाता है। इस तरीके से ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ते जा रही है। बाकी कुछ और बड़ी अपडेट आती है गाइस, तो वीडियो को यार एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेस्ट वीडियोस क्रिप्टो से आपको मिलते रहेगी।